हेलो फ्रेंड्स, इलेवंथ में ट्यूसडे के लिए हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। पिछले वीडियो की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में यहाँ पे ये नोटिस किया था कि 14,416 से जो बाउंस है वो हमें करेक्टिव बाउंस लग रहा है, क्योंकि जो ये पहला अपमूव था उसके बाद जो है करेक्शन के बाद का जो अपमूव था उसने बहुत ही मेरे ख्याल से डबल से भी ज्यादा टाइम ले लिया 100% को अचीव करने में, राइट। तो ये हमारे ख्याल से हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये करेक्टिव बाउंस ही हो सकता है जो शुरू हुआ है 14,416 से, राइट। अभी के लिए अगर हम देखें तो ट्यूसडे के लिए एनालिसिस करने की कोशिश करें, निफ्टी के 2 आवर चार्ट से फिर से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मैं कोई भी चेंजेस अभी भी नहीं देख रहा हूँ, अभी भी मैं मान रहा हूँ कि ये जो है फर्स्ट एबीसी, ये लिंक वेव एक्स, यहाँ पे सेकंड एबीसी और ये सेकंड लिंक वेव एक्स ही मैं मान रहा हूँ, और यहाँ से जो है एक फाइनल एबीसी, थर्ड एबीसी, इसके नीचे पूरा होने के बाद ही हमें एक इम्पल्सिव अपमूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है जो हाई को ब्रेक कर सकता है। अभी मैं उतना पॉजिटिव यहाँ पे नहीं हूँ कि ये हाई को ब्रेक कर देगा यहाँ से जो बाउंस स्टार्ट हुआ है वो, क्योंकि यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो बाउंस है, राइट, उसके बाद करेक्शन के बाद जो बाउंस हमें देखने को मिला है उसने भी इससे ज्यादा टाइम ले लिया है ऑलरेडी, और ये अभी भी 100% से काफी दूर है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये जो है कन्विंसिंग बाउंस अभी भी मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच किया है लेकिन ब्रेक नहीं किया है। अगर हम रूल के हिसाब से देखें तो एक्चुअली जो है ये फाइनल एबीसी कंप्लीट होने के बाद ही ये ट्रेंड लाइन का कुछ मतलब है, अभी के लिए तो ये ट्रेंड लाइन का कुछ ऐसा मतलब भी नहीं है, राइट। तो इसको अभी हमें कुछ ऐसा ध्यान में नहीं रखना है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, 15,044 से जो डिक्लाइन है उसको लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। 15,044 से जो डिक्लाइन है उसको हम अभी के लिए मान रहे हैं कि ये वेव ए हो सकता है, राइट। और ये हमें करेक्टिव बाउंस लग रहा है क्योंकि हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में भी, और यहाँ पे भी डिस्कस करें तो ये जो है एक एबीसी बाउंस है, उसके बाद फिर से एक करेक्टिव डिक्लाइन, ये वेव एक्स हो सकता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये ए बी और ये 1, 2, 3, 4, 5 ये वेव सी हो सकता है। अभी के लिए अगर हम देखें तो इस फाइनल इम्पल्स जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ जिसे हम वेव सी मान रहे हैं लास्ट एबीसी का, तो उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले, एक्चुअली मैंने रिट्रेसमेंट यहाँ से निकाला है, ये रिट्रेसमेंट जो है 23 to 38%, राइट, इस पूरे बाउंस का निकाला है। तो इस 38% के नीचे ट्रेड करता है 14,805 के नीचे, तो यहाँ से नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। और यहाँ से अभी के लिए अगर इसे हम हाई मान ले, राइट, और यहाँ से इसका अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 100% प्रोजेक्शन आ रहा है 14,338 पे, और 123% आ रहा है 14,190 पे। इस रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अगर मान लीजिए यहाँ से एक और हाई निफ्टी करता है तो हमें इस 30 जो हमने रिट्रेसमेंट निकाला है यहाँ से उसको हमें शिफ्ट करना होगा, हाई से दोबारा निकालना होगा, राइट। और 38% उस टाइम पे जो भी आ रहा होगा उसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो यहाँ से निफ्टी नेगेटिव हो सकता है। ये मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि 38% के नीचे नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी अगर इसके यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद बाउंस भी करता है तो भी मैं यहाँ पे बाइंग साइड में अभी प्रिफर नहीं करता हूँ, राइट। पर्सनली मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं बाइंग में बिल्कुल भी अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर ये इस हाई को ब्रेक भी कर दे तो भी, राइट। तो जो भी सिनेरियो था मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है, कल जो भी होता है हम फिर से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जो भी चेंजेस होगा उसको समझ के फिर से आगे बढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।